अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अलग ही कारण से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर सुबह का टाइम है और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता हम लोगों ने बाहर से मंगवाया है क्योंकि मेरा दिल नहीं हो रहा था कि कुछ भी आज मैं बनाऊँ। और काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं अभी लोग नहीं दे पा रही। और बस कुछ मसरूफियत थी, कुछ मेहमान आ जा रहे हैं। माशाल्लाह से 2 महीने हो गए हैं, लगातार ही मेहमान वगैरह आ रहे हैं। और थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं ना व्लॉग नहीं बना पाई, कोई वीडियो नहीं बना पाई। और मुझे खुद भी अफसोस हो रहा था कि इतना मैं टाइम नहीं निकाल पा रही कि मैं वीडियो बनाऊं। और बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैंने चाय बनाई और चाय वगैरह हम लोगों ने पी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ, आज जो है ना मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पकाना घर में। और फिर ऐसा हुआ कि अलग ही करनी ऐसी हुई कि मैं अभी लेटी ही थी तो मैंने थोड़ा सा ना सोचा कि मैं थोड़ी सी यखनी बना लेती हूँ। तो मैंने यखनी बना ली क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना शौक़ से खा लेते हैं। और अजलान की बार जब मैं अपने लिए बनाती थी ना तो मेरे बच्चे ना खा लेते थे अभी भी। फिर मैंने सोचा आज यखनी बना लेती हूँ और कुछ भी खाने का मूड नहीं है, तो मैंने ये बना ली। साथ में बाहर से बाज़ार से रोटियाँ मंगवा ली। और अभी हम लोग खाना खा के फ्री हुए ही थे कि मेहमान आ गए। फिर क्या करना मैंने फिर खाना बनाया और क्या। और बस जिस दिन मैं सोचूँ ना कि आज सुकून करूँगी, आराम करूँगी, उस दिन ना कुछ हो जाता है। या तो बच्चे तंग करना शुरू हो जाते हैं तो या फिर घर में कोई मेहमान आ जाते हैं। और बस अभी यही कुछ हो चल रहा है आजकल। मेहमान आ जा रहे हैं और थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई हूँ। अभी मैं जो है ना यूट्यूब की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही, पता नहीं मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि मैं इतना करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ तो थोड़ी सी वीडियो ही बना लिया करूँ। बस इतना बिज़ी हो जाती ना कि मुझे ये कुछ याद ही नहीं रहता कि मैंने कुछ बनाना भी है। तो ये देखे मैंने यखनी के साथ रोटियां मंगवा ली थी, हम लोगों ने वो खाना वगैरह खाया। उसके बाद ये मैंने बिरयानी का बना रही हूँ। बिरयानी मैंने बनानी थी और साथ में ये बिरयानी की बन गई है। उसके बाद मैंने साथ में ही ये रख दिया पानी बॉयल होने के लिए। और साथ में मैंने बना ली थी कढ़ाई गोश्त। बिरयानी मेरी रेडी होने वाली थी तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई गोश्त बनने के लिए रखा हुआ था और वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पर वो गल चुका है, यहाँ पर मैं दही ऐड करूँगी। और बस थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया, जो थोड़ा बहुत मैंने सोचा इतना सा ऐड कर देती हूँ। बस मैं इंशाल्लाह कोई अच्छे से व्लॉग के साथ आऊँगी अभी नेक्स्ट। और अभी बस इतना सा ही है और अभी दे मुझे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।